Hi friends, welcome back to my channel. तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक क्विक एग फ्राइड राइस रेसिपी. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है. पैन में मैं डाल दूंगी तेल. तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने तेल डाल लिया है इसमें. इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है ये आधा मैंने अनियन चॉप कर लिया है. तो राइस जो है मैं एक पर्सन के लिए बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है. तो ये मैं इसमें डाल दूँगी. और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाती है तो फ्लेवर आता है एग फ्राइड राइस में कमाल का आता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से फ्राई करें. मैंने 2 से 3 क्लॉव्स जो है गार्लिक के लहसुन जो है उसको मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी. और ये है इसका खास इन्ग्रेडियंट. इससे जो फ्लेवर आता है कमाल का फ्लेवर आता है. प्याज भी यहाँ पे ब्राउन होने लगी है तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें. बस इसे थोड़ा सा और भूने अच्छे से ब्राउन हो जाए. तो प्याज जो है हमारी ब्राउन होने लगी है इस स्टेज में हम इसमें भी मसाले ऐड करते हैं. मसालों के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट. थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी पाउडर जस्ट लिटिल बिट. थोड़ी सी रेड चिली पाउडर इतनी सी मिक्स कर देंगे सारी चीजों को. प्याज और लहसुन अच्छे से भून चुका है. डालूंगी यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है. इसको थोड़ा सा बेट करके मैंने सब यहाँ पे ऐड कर दूंगी. फिर थोड़ी सी देर यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर हम मिक्स करेंगे. थोड़े से इसके पीसेस बन जाएंगे. पीसेस बना लेती हूँ यहाँ पे अच्छे लगते हैं फ्राइड राइस में. तो ये हो गया है अंडा फटाफट. तो अब जो आता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट राइस. ये मेरे लंच का राइस बच गया था ये मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ. ये मैंने एक बॉल इतना लिया है राइस का. आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए. मिक्स करते हैं इसे और मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालना पसंद करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है फ्राइड राइस में. तो ये मैंने डार्क सोया सॉस ली है चिंग्स की. और इसे हम मिक्स कर देंगे. और लास्ट में मैं क्या और एंड में अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं. ये थोड़ा सा मैं चिकन मसाला पाउडर ऐड करती हूँ जस्ट फॉर द फ्लेवर. या फिर आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. और इसे हम अभी मिक्स कर देते हैं. तो बस इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें गैस पे और आप गैस ऑफ कर दें और इसे डिश आउट कर लें. तो आपने देखा फटाफट ये फ्राइड राइस बन गई. क्विक रेसिपी है. लंच में या फिर स्नैक्स में आप इसे खा सकते हैं. डिनर पे आप इसे खा सकते हैं. आपका जब मन करे आप इसे बनाएं और एंजॉय करें. तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है. और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक थम्सअप जरूर करें. और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में. टिल देन बाय. टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.